इंदौर के चंदन नगर में रहने वाले एक 10 साल के बच्चे के साथ शुक्रवार को जंगल में ले जाकर हैवानियत करने का मामला सामने आया, जिनमें आरोपी ने बच्चे को मदद के बहाने जंगल में ले जाकर उनके साथ संबंध बनाए। इस मामले में बच्चे का मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बच्चे से पूछताछ में ये बात भी सामने आई कि आरोपी की बाइक का पेट्रोल खत्म होने के बाद वो उसे धक्का लगाते हुए ले गया था। पुलिस ने इसे सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू किया, जिसमें आरोपी के फुटेज भी पुलिस को मिले हैं। वही टीआई अभय नीमा के मुताबिक इलाके में रहने वाले 10 साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य के मामले में पुलिस ने एक आरोपी की तलाश की। पुलिस की तफ्तीश के बाद आरोपी को पहचान लिया गया है। मामले में गाड़ी के नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की गई है। इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों ने थाने की टीम को लगाया था, जिसमें वीआईपी मूवमेंट के बीच टीम को अलग कर बच्चे के मामले में आरोपी को ढूंढने की बात कही थी। इस मामले में पुलिसकर्मियों ने करीब 50 से अधिक कैमरों के फुटेज खंगाले थे, जिसमें आरोपी बाइक को धक्का लगाते हुए नजर आ रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की लोकेशन धार रोड के पास ही मिली है, जल्दी उसे गिरफ्तार करने की बात भी सामने आ रही है। पुलिस के जानकारी के मुताबिक बच्चा महाराष्ट्र से रहने वाला है, वहां कुछ समय पहले ही वो अपने परिवार के साथ रहने आया था। घटना के दिन वो दूध लेने जा रहा था। आरोपी बच्चे को छोड़ने के बहाने फुसला कर अपने साथ नावदा पंथ की तरफ झाड़ियों में लेकर गया। वही बच्चे के शोर मचाने पर उसे बाइक पर बैठा कर छोड़ने निकला। रास्ते में उसकी बाइक का पेट्रोल भी खत्म हुआ तो बच्चे को वहीं छोड़कर भाग गया। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।